वास्तव में इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान ने बनाई हो और वो निरर्थक हो। जितने भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे या जो भी हम इस दुनिया के अंदर देख रहे हैं, वास्तव में वो सभी चीज़ें वो हमारे लिए लाभकारी हैं, हितकारी हैं, मनुष्य जीवन को सुंदर बनाने के लिए, मनुष्य जीवन की विषमताओं को और परेशानियों को दूर करने के लिए वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में वो वास्तव में हमारे लिए सहयोगी हैं। आज एक देखने में सामान्य, सर्वविदित, लगभग मैं जानता हूँ कि हमारे देश में शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने इस प्रिय पदार्थ की सब्जी ना खाई हो या नहीं जानते हों। तो ये आज मेरे पास में है, जिसके संदर्भ में मैं बताने जा रहा हूँ कि यह हम चाहे संसार के जड़ी बूटियों को हमारे ऋषियों ने खाद्यान्न के रूप में प्रचलित किया, या हम आज आहार के रूप में सब कुछ जो भी हम ग्रहण करते हैं सुबह से लेकर के सायंकाल तक, वो कहीं ना कहीं वो आपके लिए औषधि का कार्य करता है। इसको हम बोलते हैं लौकी। ये जो लौकी है, लौकी ये एक आम प्रचलित हमारी प्यारी सी सब्जी है, हम सब इसका सेवन करते हैं और श्रद्धेय स्वामी जी ने तो इसको इतना प्रचलित कर दिया है कि आज हर कोई इस जो नहीं खाते थे वो भी इसका सेवन करने लग गए हैं। लेजिनेरिया सिसरेरिया इसका बॉटनिकल नाम है और लौकी के नाम से, बोटल गॉड के नाम से हम पूरे देश में इसको जानते हैं। इसको गुजराती में दुधी बोलते हैं। तो ये निश्चित रूप से पूरे विश्व में लगभग आज इसकी सब्जी खाई जाती है और यह बहुत ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण भी है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बड़ी हुई लौकी है। इतनी बड़ी होने के बाद में भी ये पूरी कच्ची है, बहुत अच्छी है। इससे छोटे साइज में आप ये देख रहे हैं और इसमें आप इसके फूल भी देख रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये थोड़ी छोटी लौकी है और इसमें आप देख रहे हैं कि जिस लौकी के अंदर जैसे ये फूल खिलते हैं, इस फूल में फल नहीं होएगा, परंतु आप देख रहे हैं जैसे इसके अंदर ये आप देखिए ये छोटा सा फल है, इसकी लौकी है, लौकी के नीचे ये देखिए फूल है, तो ये लौकी बनेगी कल। तो लौकी जिसमें तैयार होना होता है वो पहले से ही वो लौकी एक छोटे रूप में आपको बेल में दिखाई देती है। जो अलग से फूल खिल जाते हैं उस फूल में वो सिर्फ फूल ही होता है, यानी कि जो कोई हर कोई फूलने वाला फल नहीं बन सकता है, ये लौकी से आप सीख सकते हैं। हालांकि जो दूसरी सब्जियां हैं, जो तोरी आदि सब्जियां हैं, उनमें भी ये ऐसा ही होता है। तो ये लौकी जो है फल वाले में भी अंदर फूल होता है, परंतु सिर्फ फूल वाले में ये लौकी नहीं आती है। तो मैं इसलिए ये बताने जा रहा था कि ये प्राकृतिक रूप से आप देख रहे हैं थोड़ी सी छोटी है, उसके बाद ये थोड़ी बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद में ये थोड़ी बड़ी है, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ी है, ये कच्ची है, इससे थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो वो फिर पकने शुरू हो जाती है। ये ध्यान रखें लौकी निश्चित रूप से जो इंजेक्ट की होती है या जो बिना सीजन की होती है वो कड़वी होती है, काट करके जो लेने में मीठी हो, स्वादिष्ट हो, उस लौकी का हम सेवन करें। तो वो सेवन करने से सब्जी के रूप में तो हम पूरे देशवासी इसका सेवन करते ही हैं, तो सब्जी के रूप में सेवन करने में थोड़ी सी सावधानी हम जरूर करें। यदि लौकी में यदि आप ज़्यादा मिर्च मसाला डालते हैं तो ये लौकी के अंदर क्षमता है पेट साफ करने की, ये आपके आंतों को देती है ताकत, इससे मिलती है आपको आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए इससे पूरा लाभ मिलता है। तो ज़्यादा मिर्च मसाले डाल देते हैं तो इससे इसका जो गुण है वह काफ़ी ख़त्म हो जाता है। तो लाभ की जगह इस अमृत को फिर आप कहीं ना कहीं इसको आप विकृत कर देते हैं। तो ये ध्यान रखें कि सब्ज़ी में ज़्यादा मिर्च मसाला, हालांकि आज शहरों में थोड़ा फैशन जैसा भी हो गया है कि वाइल्ड वेजिटेबल, उबली हुई सब्जियां, कम मिर्च मसाले की सब्जियां आज लोग खा रहे हैं, फिर भी मिर्च मसाला भी यह भी औषधियां हैं, इनको हमें औषधि के रूप में ही कम मात्रा में लेनी चाहिए। तो उसको उबाल करके बड़े बड़े टुकड़े करके आप नमक और सामान्य मसाला डाल करके भी सेवन करते हैं तो ये बहुत स्वादिष्ट होती है। तो उस तरह से आप इसका
सेवन कर सकते हैं। और लौकी के रायता आप सब जानते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, रायते के रूप में आप इसका सेवन करिए। लौकी का जो कोफ्ता है वो भी बहुत लोग खाते हैं, तो विविध व्यंजन लोग बनाते हैं। और लौकी की खीर भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत सारे लोग उसको भी बनाते हैं। तो विविध व्यंजनों के रूप में लौकी का जो हलवा है वो भी आप बना सकते हैं। तो बहुत सारे व्यंजन के रूप में, चाहे आप हलवा बना लें, चाहे वो खीर बना लें, चाहे सब्जी बना लें, चाहे कोफ्ता बना लें, चाहे रायता बना लें, लौकी के विविध व्यंजनों के द्वारा आप ग्रहण कर सकते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी का तो बच्चों के लिए जो नारा है कि लौकी खाओगे तो ऐसे ही तंदुरुस्त और लंबे हो जाओगे। वास्तव में यह लौकी देखने में भी प्यारी है, गुणों में भी बहुत ही प्रिय है, तो इसका आप सेवन करें। अब आइए औषधि के रूप में मैं आपको कुछ और प्रयोग बताने जा रहा हूँ। लौकी का जो प्रातःकाल यदि आप एक कप इस लौकी का रस निकाल करके पीते हैं, तो उस रस के सेवन से, जूस के सेवन से आपके एसिडिटी को कम करता है। एसिडिटी के अलावा जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल है, इंडाइजेशन है, उसके लिए वो लाभकारी है। और त्वचा की कांति को बढ़ाता है, जो स्किन की जो शाइनिंग है वो बढ़ने लग जाती है। तो जिनको सुंदर बनना है, जिनके फेस पर आप चाहते हैं कि सुंदरता आए, तो आप लौकी का रस निकाल करके एक ग्लास लगभग 200 ml आप लौकी का जूस का सेवन करें। और यदि आप उसमें यदि एक सेब मिला देते हैं तो वो जूस और भी स्वादिष्ट बन जाता है। एक छोटा सेब और ये लौकी को काट करके लगभग इसमें काफ़ी पानी की मात्रा होती है, तो काफ़ी जूस निकल जाएगा। और यदि अच्छी साफ लौकी है तो इसके छिलके को ना उतारें, लौकी को आप गर्म पानी से, तेज अच्छा गर्म पानी करके, गर्म पानी से इसको धोएं, अच्छी तरह से धो करके छिलका सहित इसके छिलके के साथ में इसके टुकड़े कर लें, क्योंकि ये छिलके के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो आपके शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। तो गर्म पानी में लौकी को धो करके, छिलका सहित लौकी को क्रश करके आप उसमें से जूस निकालिए, और चाहें तो उसमें एक सेब मिलाइए और आप सेवन करिए। लौकी के जूस में आप पुदीना की पत्तियां, तुलसी की पत्तियां भी मिला सकते हैं। तुलसी पुदीना मिला करके लौकी का जूस का सेवन करते हैं तो उससे आपको, आपके हार्ट के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। तो जो हृदय रोगी हैं, हृदय रोग में लौकी अत्यंत गुणकारी है, आपके एसिडिटी के लिए अत्यंत गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इसका एक और गुण है, यह किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे कोई भी रोगी हो, वह भी इसका सेवन कर सकता है। और जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, भयानक एसिडिटी बढ़ी हुई है, वो तो इसका सेवन कर ही सकते हैं। जिनको कफ की शिकायत हो, कफ वाले रोगी भी यदि इस जूस में थोड़ी काली मिर्च मिला लें, क्योंकि थोड़ा सा यह शीतल होता है तो उससे कफ में भी लाभ होता है, शीतलता भी नहीं बढ़ेगी। कितनी भी भयानक गर्मी की बीमारी हो उसमें भी आप लौकी के जूस का सेवन कर सकते हैं। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद आप सुनेंगे आयुर्वेद की ऋषि संस्कृति को वर्तमान में सर्वाधिक प्रचार। रुक रुक करके पेशाब होता हो, मूत्र कृच्छ जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं, उन लोगों के लिए भी ये लौकी अत्यंत लाभकारी है। यदि आप सुबह एक कप लौकी का जो जूस है उसको निकाल करके प्रतिदिन खाली पेट पीते हैं, हालांकि शाम को भी आप पी सकते हैं, शाम को 5-6 बजे तक आप इसको पी सकते हैं। रात्रि को लौकी का जूस ना पिएं, उससे सर्दी हो सकती है, तो आप सायंकाल को भी पी सकते हैं। बहुत ही लाभकारी तो है कि आप प्रातः काल इस जूस को पिएं, तो उससे आपको जो मूत्र कृच्छ की जो बीमारी है, जिनको पेशाब कम होता है, पेशाब खुल के होने लगेगा, इससे यूरिन पास होने लगेगी ठीक से, ये बहुत ही अच्छी गुणकारी औषधि है आपके मूत्र रोगों के लिए। और जिनको, मेरे भाइयों को, जिन पुरुषों को स्वप्नदोष होता है, या जिन मेरी माताओं और बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, लिकोरिया के लिए भी यदि आप प्रातःकाल नित्य प्रति लौकी के जूस का सेवन करती हैं, तो इससे लिकोरिया में आपको पूरा लाभ मिलेगा,
और स्वप्न दोष में लाभ मिलेगा। इससे आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, विजातीय तत्व हैं, वह बाहर निकल जाएंगे। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो वो लोग भी लौकी का नियमित रूप से आप सेवन करें। सब्जी के रूप में आप ले सकते हैं, सूप के रूप में भी आप ले सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा गुणकारी है, आप इसको जूस के रूप में ले लें। जो एनीमिक हैं, जिनका हीमोग्लोबिन कम है, उसके लिए जो व्हीट ग्रास है उसका रस निकालें, गेहूं का जवारा या गिलोए, तो गिलोए गेहूं का जवारा और लौकी, और कुछ भी ना मिले तो लौकी और सेब का जूस निकाल के पीने से, जो आप यदि एनीमिक हैं तो आपकी जो एनीमिया है या जो माइनर थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं, जिनको हमेशा हीमोग्लोबिन 8-9 के लगभग रहता है, उन लोगों के लिए भी यह एक अमृत है, रामबाण है। हालांकि आज पूरा देश इस लौकी के सेवन से अभिभूत है, फिर भी मैं कहता हूँ कि इनके औषधीय गुणों को हम और अच्छी तरह से जान लें। और इसी तरह से मेरी माताएं और हमारी जो बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भिणी हैं, गर्भ के समय जी मचलाता है, उबकाई होती है, उल्टी होने को होती है, या यदि आप एनीमिक हैं तो आपके लिए यह लौकी अमृत है, आपके लिए यह अत्यंत गुणकारी है, यह अत्यंत लाभकारी है, बहुत अच्छी है यह लौकी। तो आप इस लौकी का सेवन आप जूस के रूप में सुबह जूस निकालिए, और जूस निकाल करके फिर आप उसमें सेब मिला दीजिए, अनार का जूस भी मिला सकते हैं, मौसमी का जूस भी मिला सकते हैं, और दूसरे जूस में भी इसको मिला करके आप नियमित रूप से लें, फिर आप देखेंगे इससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहेंगे, और इससे जो आपकी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो उन सब स्थितियों में किडनी के जो रोगी हैं, उन रोगियों के लिए भी किडनी की यदि परेशानी स्टार्टिंग में है, आपका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने की स्थिति में है, या ब्लड यूरिया थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उस स्थिति में भी आप लौकी का सेवन शुरू कर दीजिए, तो वो सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया बढ़ने से रुक जाएगा। तो ये अत्यंत गुणकारी है यह लौकी, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो बच्चों, आप भी इसका सेवन करना, आप हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, आप बुद्धिशाली हो जाएंगे, आपका पेट ठीक रहेगा, आपका मस्तिष्क ठीक रहेगा, आपके शरीर में शिथिलता होगी। जिनको बहुत गुस्सा चढ़ता है, जिनको हमेशा तेजी और गर्मी बनी रहती है, वो लोग भी लौकी का सेवन करके शांत हो सकते हैं। इससे आपके शरीर की सात्विक ऊर्जा बढ़ेगी। आयुर्वेद के अंदर लौकी को सात्विक आहार कहा गया है। तो अपनी सात्विकता को बढ़ाते हुए, अपने रोगों को दूर करने के लिए, निरोग बने रहने के लिए, आप ज़रूर इस लौकी का सेवन करिए। और पूरे देशवासी मेरे भाई बहन, इस लौकी का सेवन करके, औषधि के रूप में लौकी का सेवन करके स्वस्थ रहें। यही हमारा संदेश विविध जड़ी बूटियों से, विविध औषधियों से, विविध दवाइयों से, विविध गोलियों से, और हॉस्पिटलों से जो नहीं हो पाया, कई बार इस लौकी मात्र के सेवन से आप प्राप्त कर सकते हैं। 2-3 सावधानियां जरूर ध्यान रखें। कभी भी लौकी का सेवन करते समय ये कड़वी लौकी का सेवन हरगिज न करना। कभी ऐसा मत सोचना कि थोड़ी कड़वी हुई तो क्या हुआ, क्योंकि डायबिटीज़ में शायद काम कर जाए। ऐसी भूल मत करना, क्योंकि कड़वी लौकी नुकसान कर सकती है। कड़वे तुम्बे का आप बिल्कुल भी भूल करके भी सेवन न करें। बिना सीजन की जो सब्जियां हैं उसमें कई बार कड़वी लौकी आती है, इसका आप बहुत ध्यान रखें। सीजन में तो इंजेक्ट करने वाली बात नहीं है, इस सीजन में इसके अंदर कोई केमिकल वाली ज़्यादा वो स्थिति भी नहीं है। बिना सीजन में कभी कभी ऐसा कर देते हैं। हालांकि ये 7-8 महीना बड़ी सुगमता से यह लौकी हमारे देश में सर्वत्र मिल जाती है, और आराम से 1 बीघे ज़मीन के अंदर ही, आप देख रहे हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, थोड़ी सी जगह पर कितनी सारी लौकियाँ हैं। मैं कहता हूँ कि ये छोटी सी खेत के अंदर कम से कम इतने में ही 1-2 क्विंटल लौकी हो जाती है। तो इसीलिए लौकी बहुत पैदावार देती है। तो मेरे किसान भाई लोग, इसकी पैदावार बढ़ाएं, इसको प्राकृतिक रूप से बढ़ाएं, ये ज़रूरी है। और मेरे देशवासी, इस लौकी का सेवन करके स्वस्थ रहें, यही हमारा संदेश है। और मेरे बच्चे लौकी खा करके लौकी की तरह से
कितना स्वस्थ और जिस तरह से इस लौकी के अंदर एक ग्लो है, एक शाइनिंग है, एक तेज है, इसी तरह से आप सब भी तेज से परिपूर्ण बने, यही हमारा आपके लिए संदेश है। यह लौकी अब मैं समझता हूँ कि आज के बाद आपके लिए सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये आपके लिए अब औषधि भी है, यह रक्त दोषों को भी दूर करता है। तो ये लौकी के द्वारा आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। ये जो लौकी की पत्तियां हैं ये भी गुणकारी हैं, जिन्होंने लौकी लगा रखी हों इन कोमल पत्तियों की सब्जी भी बनती है। बंगाल में तो हमने देखा कि प्रायः इस डंठल की, ये कोमल डंठल की भी सब्जी खाते हैं, ये बहुत अच्छी मानी जाती है वहाँ पर। इसी तरह से कोमल पत्तियों की भी सब्जी बन जाती है और इन कोमल पत्तियों को इसका रस निकाल करके जिनको स्किन प्रॉब्लम है यदि उसमें लगाते हैं तो उसमें भी यह बहुत ही लाभकारी है। ये जो लौकी की जड़ है यदि इसको निकाल करके उबाल करके पीते हैं तो इससे पेशाब खुल के होने लगेगा और इससे मूत्रकृच्छ की बीमारी दूर हो जाती है और प्रोस्टेट और किडनी के लिए लाभकारी है। और लौकी के सेवन से पथरी भी नहीं बनती है, जो पथरी बनी हुई है किडनी के पथरी को निकालने के लिए भी लौकी सहयोगी है। तो आइए इस लौकी के इन गुणों को हम जानें और जान करके आज से इस लौकी को बड़े प्रेम से इसका सेवन करें। तो कल तक के लिए दीजिए आप मुझे विदा, जरूर आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखिए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करिए, जिससे श्रद्धेय स्वामी जी का जो संकल्प है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत रोग मुक्त विश्व, इस कल्पना को इस स्वप्न को हम साकार कर सकें, स्वयं उस मिशन के अनुगामी होकर के सिपाही होकर के दूसरों को भी हम इस मिशन के लिए प्रेरित कर सकें, यही आपसे मेरी प्रार्थना, यही आपसे मेरी आशा और यही इच्छा। कल फिर होंगे हम आपके बीच ठीक इसी समय आस्था चैनल पर।